2008 में मुंबई में हुआ 26/11 आतंकी हमला कांग्रेस और ISI में एक फिक्स मैच था। ये हमारा नहीं, उस समय रह चुके होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी RVS मनी का कहना है। उन्होंने अपनी एक किताब में ये भी दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप किसी भी कीमत पर हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाने पर तुली हुई थी। अजमल कसाब को बेंगलुरु के समीर चौधरी बताने की पूरी योजना तैयार थी। ये भी हमारा नहीं, मुंबई के एक्स कमिश्नर राकेश मारिया का कहना है। उन्होंने अपनी किताब लेट मी से इट में दावा किया है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता और कोई भी जिहादी जिंदा ना पकड़ा जाता तो कसाब चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हिंदू आतंकवादियों को दोषी ठहरा देती। ये बात 2012 में अबू जुंदाल के अरेस्ट पर भी कंफर्म हुई थी। जुंदाल ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि हिंदुओं पर 26/11 हमले का दोष मढ़ने की प्लानिंग शुरू से थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की गिरफ्तारी के बाद 26/11 अटैक को एक जवाबी हमले की तरह दिखाने की प्लानिंग थी। आतंकवादियों को भगवा कलावा पहनाया गया, उन्हें फेक ID कार्ड्स के साथ साथ समीर चौधरी जैसे हिंदू नाम दिए गए। ये उम्मीद थी कि हमले के बाद आतंकवादियों के शव पर ये सब पाए जाने के बाद भगवा आतंक के नैरेटिव को एस्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओमले की मदद से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और कांग्रेस की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। हिंदू आतंकवाद एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस ने 1998 में सोनिया गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनाई थी। शायद इससे कांग्रेस को पॉलिटिकल गेन्स भी हुए हो, लेकिन अपनी राजनीति के लिए पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया के केस को कमजोर करना कहां तक ठीक है? कांग्रेस नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट।